केस स्टडी की सीरीज में मेरा नया केस है विच इज समथिंग रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ. थोड़ा बहुत टीडीएस का इसमें मामला है. देखो भैया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लिटरली एक फैमिली बिजनेस की इनकम है. सपोज मेरी एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाई हुई है, संजय मुंद्रा टैक्स क्लासेज एचयूएफ, तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो इनकम है वो भी तो मेरे ही घर में आ रही है और मेरी इनकम भी मेरे ही घर में आ रही है, तो लिटरली कई बार मिक्सिंग हो जाती है. यह हम लोग जो ऑपरेट करते हैं हमें पता है. ऐसा ही कुछ हुआ हमारे एसएससी के साथ जिसका नाम है नरेश भावनी साह एचयूएफ. आप देख पा रहे हो नरेश भावनी साह एचयूएफ. 2017 में गुजरात हाईकोर्ट के पास ये मामला पहुंचा. मामला कुछ ऐसा था कि नरेश भावनी साह एचयूएफ के पास सरप्लस फंड था. सरप्लस फंड उन्होंने आरबीआई बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया. फंड किसका सरप्लस था? एचयूएफ का. एचयूएफ का फंड सरप्लस था, एचयूएफ से चेक कटा और आरबीआई के बॉन्ड में इन्वेस्ट हो गया. गलती इस फैमिली ने यह कर दी कि बॉन्ड ले ली कर्ता के नाम पे, पेन भी कर्ता का दे दिया और इस तरीके से आरबीआई का बॉन्ड आ गया कर्ता के नाम पे और फंड निकला है एचयूएफ की फाइल से. बाद में आरबीआई बॉन्ड जब इंटरेस्ट दिया तो उस पर टीडीएस काटा. ऑब्वियसली बॉन्ड में ओनर का नाम कर्ता के नाम से है वो बॉन्ड, इसलिए टीडीएस भी कर्ता के नाम से कट दिया. लेकिन जब भावनी साह, नरेश भावनी साह ने जब एचयूएफ का रिटर्न भरा तो ये बॉन्ड से आने वाली इनकम इन्होंने एचयूएफ की फाइल में दिखाई. अब इनकम दिखाई जा रही है एचयूएफ की फाइल में और टीडीएस कटा है कर्ता के नाम पे और यहां से झमेला शुरू. और टीडीएस भी लाखों रुपए का था. ये टीडीएस से बेनिफिट एचयूएफ की फाइल से मिल नहीं रही थी. अपील में चले गए, पहले तो एसेसिंग ऑफिसर को समझाया गया, वो नहीं माने. अपील में चले गए, अपीलेट अथॉरिटी को समझाया गया, वो भी नहीं माने. ट्रिब्यूनल को समझाया गया, उन्होंने भी यही बात कही कि जब टीडीएस कर्ता के नाम पे है तो उसकी बेनिफिट एचयूएफ की फाइल में नहीं मिलेगी. जब गुजरात हाईकोर्ट में केस पहुंचा तो गुजरात हाईकोर्ट ने इसको रियलाइज किया कि जब फंड एचयूएफ का निकला है तो ये बॉन्ड एचयूएफ का है, इंटरेस्ट इनकम भी एचयूएफ की फाइल में दिखाई जा रही है तो ये इंटरेस्ट इनकम भी एचयूएफ की है. सिर्फ टीडीएस किसी कारण से, किसी मिस्टेक के कारण यदि टीडीएस कर्ता के नाम पे आ रहा है तो एटलीस्ट उसकी बेनिफिट एचयूएफ को दे देनी चाहिए. गुजरात हाईकोर्ट ने ये कंडीशन रखी कि मिस्टर कर्ता आप एक एफिडेविट साइन करिए कि ये टीडीएस का बेनिफिट आप नहीं लेंगे, एचयूएफ ही लेगा. ऑब्वियसली कर्ता ने वो एफिडेविट साइन कर दी तो कोई इशू नहीं आया और फाइनली इस टीडीएस से बेनिफिट जो कि टीडीएस सर्टिफिकेट में नाम है कर्ता का, 26 एएस दिखा रहा है कर्ता के लिए, लेकिन इनकम है एचयूएफ की, तो ये टीडीएस का बेनिफिट फाइनली एचयूएफ की फाइल से मिल गया. एंड फाइनली डिसीजन गुजरात हाईकोर्ट ने एसएससी के फेवर में दिया. कंक्लूजन आपके सामने है कि यदि बॉन्ड एचयूएफ के लिए लिया गया, पैसे एचयूएफ की फाइल से निकले, इंटरेस्ट इनकम एचयूएफ की फाइल में दिखाई जा रही है, लेकिन किसी रीजन के कारण, किसी कारणवश, किसी गलती के कारण फाइनली वो बॉन्ड कर्ता के नाम पे है इसलिए टीडीएस कर्ता की फाइल में चला गया तो भी उसका बेनिफिट एचयूएफ को दे देना चाहिए. इसका मतलब आप ये मत समझो कि इस तरह की मिस्टेक्स आप करते रहेंगे और डिपार्टमेंट आपको बेनिफिट देता रहेगा. आपको भी पता है मिस्टर साह ने कितनी मेहनत की. फाइनली वो एसेसिंग ऑफिसर को पहले समझाए, वो नहीं माना. CITA को समझाए, वो नहीं माना. और उसके बाद ट्रिब्यूनल को समझाए, वो भी नहीं माना. बाई लक गुजरात हाईकोर्ट ने जजमेंट दे दिया, जस्टिस हो गया. इसलिए आप ये गलती कभी मत करिए कि एचयूएफ के नाम से फंड निकले, एचयूएफ का फंड निकले और प्रॉपर्टीज कर्ता के नाम पे या किसी मेंबर के नाम पे कभी मत लीजिए, क्योंकि सेक्शन 64(2) में इससे करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस भी है, इनकम क्लब भी उधर उधर हो सकती है, तो इस तरह की गलतियाँ ना करें.
एनी हाउ ये ट्रेस आपके एग्जाम के लिए भी वाइटल है. थैंक यू.